सभाओं के बीच होने वाला है। तारीख से संकल्प यात्रा भवनाली से प्रारंभ हुआ है और झारखंड प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और इसी प्रकार से कार्यकर्ता और जनता को संबोधित भी करेंगे और उनसे मिल रहा भी। और मैं आज आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, देश में हो या प्रदेश में हो, जब जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो क्या होता है, विकास का काम होता है, चारों तरफ विकास की चर्चा होती है, विकास किस प्रकार से हो रहा है इसकी चर्चा होती है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की झारखंड मुक्ति मोर्चा की या राष्ट्रीय जनता दल के उन गठबंधनों की जब सरकार बनती है तो चर्चा किसकी होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, लूट की चर्चा होती है, चोरी की चर्चा होती है। आज आप देखते होंगे कि झारखंड प्रदेश में भी वही हो रहा है, हेमंत सोरेन के यहाँ नेतृत्व में है, कांग्रेस पार्टी भी सरकार में है, राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ सरकार में है, सभी लोग मिल करके झारखंड को लूट रहे हैं, खोखला बना रहे हैं। यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पैसे वहां से भेज रहे हैं उसको भी यहाँ ठीक प्रकार से गरीबों के यहाँ तक पहुंचा नहीं पा रहे। मैं यही आप सबसे कहने के लिए आया हूँ, यही बताने के लिए आया हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि जो संकल्प यात्रा है, हम सब लोगों को आप संकल्प लेना है, झारखंड को विकास करना है, यहाँ से जो गरीबी है, यहाँ से पिछड़ापन है, अशिक्षा है, अंधकार है, इसको अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हेमंत सरकार को इस यहाँ की कुर्सी से हटाना पड़ेगा, इस मुदेरी सरकार को हमें भगानी पड़ेगी। यही हम कहने के लिए आए, यही हमें संकल्प लेना। आप जरा देखिए कि इस देश में 2014 में अटल क्या कहते नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 9 वर्षों में किस प्रकार से विकास का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, चारों तरफ काम हो रहे हैं। आपके इस क्षेत्र में भी चाहे वो बंदरगाह का निर्माण हो रहा है, आपके यहाँ गंगा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है और उससे पहले इस राज्य के अंदर में जब जब बीजेपी की सरकार रही यहाँ विकास का काम खूब हुआ, छोटे बड़े नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गए, यहाँ पर अस्पताल भी बन गए, तो कई एक ऐसे विकास का काम हुआ। लेकिन आज इस झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आपके इसी जिला बरहेट से वो विधायक है, लेकिन आज इस जिला की हालत क्या है आप सबको पता है। आज इस जिला में हम कल बरहेट में थे, उससे पहले भी हम आए हुए हैं बरहेट, तो पता चला जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो फ्री में अनाज भेज रहे हैं, वो अनाज भी हेमंत सोरेन जी गरीबों के यहाँ तक पहुंचा नहीं रहे, बल्कि उस अनाज को भी बेच करके वो गरीबों का भी हक वो मार रहे हैं। अब बताओ, इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ भाई, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब तक ही कोई भूखे नहीं सोए, सबको खाना मिले उसकी वो चिंता करते, जहाँ कोरोना काल में भी पूरे देश में दुकानें बंद हो गई थी, बाजार बंद हो गया था, कारखाना बंद हो गया था, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की और आज भी देश के प्रधानमंत्री वो चिंता करते हैं कि गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसको हम अनाज देंगे ताकि वो भी खा करके बच्चों को गिला करके और ठीक से सो पाए।